आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 2023 की टॉप 5 असॉल्ट राइफल्स के बारे में। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो बेस्ट असॉल्ट राइफल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि राइफल्स अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाती हैं, और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई भी राइफल सारी सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्टली काम करे। लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर, जैसे कि फायर पावर, रिलायबिलिटी, पॉपुलरिटी, कॉस्ट, तो इस तरह के फैक्टर्स के आधार पर टॉप 5 असॉल्ट राइफल्स की एक लिस्ट बनाई है। और नंबर 1 की असॉल्ट राइफल आपको काफी सरप्राइज भी करेगी, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इसी बात पर स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 5 पर है FN स्कार, जो कि बेल्जियम ओरिजिन की गैस ऑपरेटेड शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन वाली ऑटोमेटिक राइफल्स है। और इस FN स्कार में जो स्कार की फुल फॉर्म है वो है स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस कॉम्बैट असॉल्ट राइफल। और इस FN स्कार फैमिली में मुख्य रूप से दो तरह की असॉल्ट राइफल्स आती हैं। एक है स्कार L, L का मतलब है लाइट, और ये 5.56x45mm कार्ट्रिज के साथ आने वाली असॉल्ट राइफल है। और दूसरी है स्कार H, H का मतलब है हैवी, और ये 7.62x51mm कार्ट्रिज वाली बैटल राइफल है। और इस राइफल को हमने इस लिस्ट में शामिल इसलिए किया है क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में इस राइफल ने वाकई में अपनी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी बना के रखी है। और अभी वर्तमान समय में 20 से अधिक देश हैं जो इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड, भारत के स्पेशल फोर्सेज, जापान की स्पेशल फोर्सेज, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, तो इन सभी देशों की स्पेशल फोर्सेज इन राइफल का इस्तेमाल करती हैं। और भारत में स्कार एच और स्कार एल दोनों ही वर्जन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि रशिया के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेन ने भी काफी बड़ी संख्या में स्कार एल असॉल्ट राइफल्स को इम्पोर्ट किया है। और जबकि इसी साल 27 जनवरी को बेल्जियम ने यूक्रेन के लिए कुछ और नई सैन्य सहायता की घोषणा करी थी, और इस सैन्य सहायता में स्कार असॉल्ट राइफल्स का लेटेस्ट जनरेशन भी शामिल था। और जबकि ऑनगोइंग मैक्सिकन ड्रग वॉर में भी ये जो राइफल है ये दोनों ही तरफ से एक्टिव रही है। जो स्कार एल है उसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 500 मीटर तक, जबकि स्कार एच की है 600 मीटर तक। और ये राइफल्स 550 से 650 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करने में सक्षम है। हालांकि अगर इस राइफल की कॉस्ट देखी जाए तो उस हिसाब से ये राइफल थोड़ी एक्सपेंसिव है, जो कि करीब 3000 से $3500 के आसपास पड़ती है। लेकिन महंगी होने के बावजूद भी अपने मॉड्यूलर डिजाइन, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की वजह से ये अभी भी दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेज की फेवरेट राइफल्स में से एक है। इस लिस्ट में चौथा नंबर है इजरायली ओरिजिन की IWI टेवर टार 21 बुलपप असॉल्ट राइफल का, जो कि 5.56x45mm कार्ट्रिज वाली राइफल है। और इस असॉल्ट राइफल की गिनती दुनिया की सबसे प्रिसाइज राइफल्स में होती है। यह असॉल्ट राइफल 750 से 900 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। और दुनिया भर में यह असॉल्ट राइफल अपनी रिलायबिलिटी और इजी मेंटेनेंस के लिए मशहूर है। इसको बनाने के लिए जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है तो वह एक कमाल के कोरोजन रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि इसमें जंग लगने के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि टार 21 के अलावा इसके और भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि जी टार 21, सी टार 21, स्टार 21, तो इस तरह के अलग अलग वेरिएंट्स। और वर्तमान समय में इन राइफल का इस्तेमाल दुनिया भर के 30 से अधिक देश कर रहे हैं, जिनमें इंडियन स्पेशल फोर्सेज भी आती हैं। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेज की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनकी जो स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है वो यही है। और हम एक डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं कि भारत की स्पेशल फोर्सेज टेवर का इस्तेमाल क्यों करती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको इस राइफल के बारे में और भी डिटेल्स जानने को मिलेंगी। इस लिस्ट का तीसरा नाम है द लेजेंडरी AK-47, जो कि 7.62x39mm कार्ट्रिज के साथ आती है। हालांकि इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज करीब 350 मीटर तक है, लेकिन इस राइफल को इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि ये राइफल रिलायबिलिटी के मामले में दुनिया भर में मशहूर है। इसे आप किसी भी तरह की कंडीशंस में ऑपरेट कर सकते हैं, और ये राइफल इतनी ज़्यादा मशहूर है कि कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि इस राइफल की आज तक कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, क्योंकि ये राइफल प्रोफेशनल सोल्जर्स से लेकर टेररिस्ट हर किसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यानी कि US में इस राइफल को बैड गाय वेपन तक की रेपुटेशन मिली हुई है। और क्या आप जानते हैं कि जितनी जाने आज तक किसी परमाणु हमले में नहीं गई हैं उससे कहीं ज़्यादा जाने इस AK-47 ने ली है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे डेडलीस्ट वेपन में होती है। इस गन की फायर पावर इतनी ज़बरदस्त है कि हड्डियों को तक चीर सकती है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि अपने टारगेट का वो हाल कर सकती है कि वो किसी भी तरह से दोबारा रिपेयर हो ही ना पाए। इस राइफल के दुनिया भर में मशहूर होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि इसको मेंटेनेंस की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें, आसानी से रिपेयर कर सकें। और ये वेपन खास करके उनके लिए बहुत परफेक्ट माना जाता है जो कि अपने फायर आर्म्स को मेंटेन नहीं रख सकते। और इसका जो सिंपल सा फायरिंग मैकेनिज्म है उसके चलते ये जो गन है इसके जैम होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। यहाँ तक कि AK-47 की जो सर्विस लाइफ बताई गई है वो लगभग 20 से 40 वर्ष के आसपास है। हालांकि ये निर्भर करता है कि किस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पर AK-47 लगभग हर तरह की कंडीशन में ऑपरेट करती है। और इस राइफल को अभी भी दुनिया भर के 90 से भी अधिक देश ऑपरेट कर रहे हैं। और ये तो वो नाम है जो कि ऑफिशियली सामने आए हैं, बाकी इस राइफल को अनऑफिशियली या फिर इलीगली
पता नहीं कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई डेटा ही नहीं है। और AK-47 की जो कॉस्ट है तो वो भी एक बड़ा कारण है इसको दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का। ये राइफल इस लिस्ट में मौजूद बाकी के अन्य राइफल्स की तुलना में सबसे सस्ती है। यहाँ तक इसके सिंपल डिजाइन की वजह से इसका उत्पादन आप एक बेसिक से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी कर सकते हैं। और AK-47 का जो एक ग्लोबल एवरेज प्राइस है या इसके डेरिवेटिव्स का, तो वो करीब $300 से $500 के आसपास है। और ये इस लिस्ट में मौजूद बाकी के अन्य राइफल्स की तुलना में सबसे ज़्यादा कॉम्बैट प्रूवन भी है। हालांकि इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी इस राइफल में कुछ कमियां भी हैं। और सबसे बड़ी कमी यह है कि ये जो राइफल है ये लॉन्ग रेंज पर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बल्कि ये क्लोज कॉम्बैट के लिए ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। और बाकी अगर AK-47 के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस लिस्ट का दूसरा नाम है हैकलर एंड कोच की HK-416, जो कि 5.56x45mm कार्ट्रिज वाली एक जर्मन असॉल्ट राइफल है। और 2011 में लादेन को साफ करने वाले US नेवी सील के ऑपरेशन में इसी असॉल्ट राइफल को इस्तेमाल किया गया था। और ये नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेस और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर को इश्यू किए जाने वाली स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल भी है। इस राइफल को इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि इसकी एक्यूरेसी, इसकी हैंडलिंग, इसका रिकॉयल मैनेजमेंट, इसका वेट, इसके रिफाइंड ऑलराउंड, बेटर मैगजीन, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें टॉप नॉच है। और इसका इस्तेमाल दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेज द्वारा किया जाता है। लेकिन कॉस्ट के मामले में ये राइफल थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट है लगभग $2500 से $3000। लेकिन अगर कॉस्ट वाले फैक्टर को हटा दिया जाए तो ये एक दुनिया की उन राइफल्स में आती है जो कि सबसे प्रीमियम क्वालिटी और एक्सेप्शनल एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। और बाकी नंबर वन पर बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो इस लिस्ट के नंबर वन पर है एक नया प्लेयर MCX स्पेयर। ये सिक्सॉर द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई मल्टी कैलिबर असॉल्ट राइफल है। और इसे सिक्सॉर ने खास तौर पर US आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन स्क्वाड वेपन प्रोग्राम में सबमिट करने के लिए विकसित किया है। हालांकि वैसे तो इसमें मुख्य रूप से 6.8x51mm का कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें बैरल चेंज के साथ 7.62x51mm का नैटो राउंड और 6.5mm क्रीडमोर राउंड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह राइफल क्लोज क्वार्टर बैटल से लेकर लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स, तो इस तरह के अलग अलग रोल्स को हैंडल करने में सक्षम है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 600 मीटर और 900 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। हालांकि इसमें एक कमी यह है कि अभी यह केवल 20 राउंड की डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन के साथ ही आती है, जो कि इस लिस्ट में मौजूद बाकी असॉल्ट राइफल्स के कंपैरिजन में 10 राउंड कम है। और वैसे तो इस लिस्ट में मौजूद बाकी अदर राइफल्स के कंपैरिजन में इस राइफल का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है बहुत ही कम है, और ये इस लिस्ट की सबसे लेटेस्ट राइफल भी है। लेकिन इस राइफल को अभी ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेनियन ट्रूप्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी के समय यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस ग्रुप अल्फा द्वारा इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कॉस्ट के हिसाब से ये राइफल काफ़ी महंगी है। इस राइफल की कॉस्ट पड़ती है लगभग $2500 से $3000 पर यूनिट, लेकिन फायर पावर रिलायबिलिटी के मामले में एक बेहतरीन राइफल निकल के सामने आई है। और इस राइफल में आर्मर डिफीटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। तो ये थी 2023 की टॉप 5 असॉल्ट राइफल्स। लेकिन फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध कभी भी हथियार नहीं, बल्कि हथियार चलाने वाला जीतता है। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इन 5 में से कौन सी असॉल्ट राइफल आपको सबसे बेहतरीन लगी, या फिर इन 5 के अलावा कोई और असॉल्ट राइफल है जो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।